नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि राज्य के जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन क्षेत्रों में पानी की टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा पिछले 3 माह के दौरान प्रदेश में मेवात क्षेत्र में सबसे अधिक पानी के टैंकरों की आपूर्ति की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पानी के टैंकरों द्वारा की जा रही पानी की आपूर्ति पर निगरानी रखें ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा सके। बैठक में अधिकारियों ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा पिछले अप्रैल मई और जून माह के दौरान भिवानी में 564, दादरी में 185, गुरुग्राम में 2, हिसार में 196 और कैथल में 58 तथा इस प्रकार से अनेक अलग अलग जिलों में पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई। वहीं उन्होंने अवगत कराया कि सरकार ने जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर तक तो और दूसरा चरण 16 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।